ओझल नहीं है जहां आज के दिन कर्फ्यू लगा हुआ है या कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके लिए जितना भी अल्लाह तआला शुक्र अदा किया जाए कम है। इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला ने किसी को कोई नियामत दी है, कोई नियामत दी है, उस नियामत का शुक्र अदा लाना बजा करके उसको बचा लेना सबसे मुश्किल सबसे तब काम है। मुसीबत पर सब्र कर लेना जितना मुश्किल नहीं है उससे ज्यादा दीन की नियामत का शुक्र अदा करना मुश्किल होता है। इसके लिए अल्लाह ताला के शुक्र के लिए अल्लाह ताला के कलमा को नकल करने के लिए वक़ुल अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी लम यत्तख़िज़ वलदा ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا। उसके बाद आपना के लाल पर अब्दुल्ला बिन सज्जर पर खातम अलंबिया पर शाफी महशर पर साफी कौसर पर शफी उल मुअल्लिमीन पर रहमतुल लिल आलमीन पर उनकी अजवाज मुतहरात पर उनकी आल औलाद पर उनकी अस्हाब पर उनके खुलफाए राजीन पर उनके सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन पर और फिर उनके ताबीईन पर और फिर उनके ताबीईन पर और फिर उन तबे ताबीईन के ताबीईन पर और फिर उन इस उम्मत मरहूमा इस उम्मत वक़्त इस उम्मत अदल इस उम्मत शहादा के अइमा किराम मुहद्दिसीन अज़म मुफस्सिरीन सालिहीन और औलिया पर भी और रहती दुनिया तक जब तक एक भी साहिब कलमा साहिब यकीन साहिब मारिफा साहिब इस्लाम शख्स होगा इलाही तमाम लोगों पर दरूद और सलामती नाज़िल फरमाइयो। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد। आगे मज़मून में जाने से पहले या मौज़ू में जाने से पहले आपका ज़हन साफ करते चलें। दो साल के अरसे में आप लोगों के ज़हन में बहुत सारे सवाल आए होंगे। पिछले दो साल के अरसे में मुद्दत में इस ज़हन के सफाई के लिए या आपकी सफाई के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान हम नकल करते चलें जिसमें अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि लक़द कान फ़ी मा क़ब्लकुम मिन अल-उमम नासु मुहद्दथून फ़इन यक़ु फ़ी उम्मती फ़इन्नहु उमर। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि पिछली उम्मत में जो उम्मतें गुजरी हैं उसमें ऐसी शख्सियत ऐसे लोग रहा करते थे जो मुहद्दिस हुआ करते थे। इसकी एक और इबारत आती है मुलहिम या मुलहम, किसको बोलते हैं? उस इंसान को बोलते हैं जो बात वो कहता है उसके मुताबिक फ्यूचर उसमें सामने जाहिर मामला जाहिर होते हैं। जिसको इल्म-ए-ग़ैब से जो ना कम इल्मी है जहालत है ये तजुर्बे की कमी है। इसको पेशेंगो नहीं बोलते हैं, इसमें नहीं बोलते हैं। ये इंसान का अपने जिंदगी का तजुर्बा होता है और उससे बहुत बड़ी चीज अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक वल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्लहु उस जात के कसम खा के बोल रहे हैं जिसके कब्जे कुदरत में पूरा संसार है। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हम पर अल्लाह और रसूल तमाम फरिश्तों की तमाम मखलूकात की लानत हो, ऐसी लानत हो किसी दुनिया में अल्लाह ताला हमें इबरत बना दे। और अगर हम सच बोलने जा रहे हैं, सच बोलने जा रहे हैं, सही बात बोलने जा रहे हैं तो अल्लाह ताला इसके बदले पूरी दुनिया में हक का बोलबाला करते रहे, बातें का मुकाबला करते रहे। पहला केस कोविड का पहला केस जब चाइना में आया था उससे भी तकरीबन 25 दिन पहले फजल कहां है? फजल कहां है? जेद कहां है? जेद को बुलाइए, जेद बुलाइए, सामने आओ, इधर आओ, कहां गया? इसका चेहरा पहचान लिया, ये लड़का बैठा हुआ था गवाह था, इसका चेहरा पहचान लीजिए। इन दो लोगों के सामने हमने कहा था कि मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है कि आने वाले दिन में इंसान को सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी होगी। मैं कुछ मुताला नहीं था, जिंदगी का अपना तजुर्बा था। लेकिन बहुत अफसोस है कि अल्लाह के रसूल हमें पेशेंगोई की थी कि मेरे आने वाली उम्मत में ये मिजाज बन जाएगा कि दो इंसान एक जगह जाएंगे गुनाह करने, कोई ना भी गुनाह बैठो उसमें से एक इंसान अल्लाह ताला के अजाब के चपेट में आ जाएगा। फिर भी उसका साथ के उसका पार्टनर उसका अंजाम देखेगा बुरा अंजाम, लेकिन फिर भी उस गुनाह को उस पाप को उस बुराई को करेगा। हम लोग आज इसी जमाने में जी रहे हैं
किसी को अगर सही बात समझाई जाए तो उसे तकलीफ लगती है। आज जो बात हम बोलने जा रहे हैं ये 2012 में मुझे कहा गया था कि जब तुम्हें अल्लाह ताला मौका देंगे आवाम के सामने बात रखने की, तो जो बात हम तुम्हें बता रहे हैं उसको आवाम के सामने जरूर रखना। इस मिसाल हम दे रहे हैं, इस साल जो कर्जा देख रहे हैं ईदगाह का, इसके अगले हिस्से में बराबर बड़े बड़े लोहे लोहे के चदरे वाला छोड़ दिए जाते थे और उसी को लोग नमाज पढ़ते थे। मुझे अच्छी तरह से याद है 2008 या 2009 में मुझे भी उल्टे के नमाज पढ़ने का मौका मिला। इतनी तकलीफ हुई, ऊपर और नीचे लोहे का चदरा ऊपर और जमीन नीचे, अब एक पांव ऊपर है एक पांव नीचे है, किससे शादी नमाज अदा करेगा। उस वक्त से हमारे दिल में ख्वाहिश थी इस चीज को ठीक किया जाए। जिससे कि ईदगाह का काम क्या है, सिर्फ दो काम है, एक ईद और एक बकरीद। कभी कभी अगर हो गया अल्लाह तआला का अज़ाब आ गया, कहसारी पड़ गई, बारिश नहीं हुई, तो आदमी कहसारी की दुआ कर लेता है, नमाज पढ़ लेता है, इसके अलावा कोई तीसरा काम नहीं है ईदगाह का। तो जो चीज हमने 2009 में देखा उसको इस साल प्रैक्टिकल में करके दिखाया, कहीं चीज को हटाइए। उसी तरह से ये वसीयत जो मुझे बोली गई कि तुम इस पर तकरीर जरूर करना, सच्ची बात यह कि इस तकरीर पर तकरीर करते हुए मुझे शर्म आ रही थी, लज्जा लग रही थी, करे तो कैसे करें। लेकिन कहते हैं जो सच्चाई वो बता देना चाहिए ताकि आने वाले कल में अल्लाह ताला अगर हमारे आपके साथ कोई गलत फैसला लेते हैं, कोई सख्त फैसला लेते हैं, कोई बुरा फैसला लेते हैं, उस वक्त ये गिला ये शिकवा नहीं रह जाएगा कि किसी ने समझाया नहीं था। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि खुशकी और तनी में फसाद होता हो गया, क्यों का दिमाग के ये इंसान जो अपने हाथ की कमाई है वो बीमारी की शक्ल में रहे, बिजनेस के नुकसान की शक्ल में रहे, दुश्मन के दुश्मनी की शक्ल में रहे, औलाद की नालायकी की शक्ल में रहे, दोस्त की बेवफाई की शक्ल में रहे या किसी और शक्ल में रहे, ये इंसान के अपने हाथ की कमाई है। जब ये बीमारी फैली इसके मुताबिक अल्लाह के रसूल का फरमान था कि जब किसी इलाके में तुम बीमारी से रुख फैलते भी इस किस्म की वबाई बीमारी, तो इलाके का रुख नहीं तैयार करना, और जिस इलाके से बीमारी फैले उस इलाके का इंसान उस इलाके से बाहर नहीं जाए, उस इलाके से बाहर नहीं निकले। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, अगर दुनिया ने अमल नहीं किया तो ताज्जुब की बात नहीं है, ताज्जुब उस पर है जो दावा करता है कि हम अल्लाह रसूल के मानने वाले हैं, पर जान इस पर करने लोगों भी सामान नहीं किया। इसलिए हम दो मिसाल देंगे, किसी को मेरी बात से तकलीफ लगेगी हम पहले ही माफी मांग लेते हैं, माफ कीजिएगा, लेकिन सच्चाई वही है। दो मुल्क इस दुनिया में ऐसे हैं जो दावा करते हैं कि हम मुस्लिम वर्ल्ड की क्यादत करने के हकदार हम ही हैं। दो कंट्री, दो देश इस दुनिया में ऐसे जो दावा करते हैं कि मुस्लिम कंट्री की अगर कोई क्यादत कर सकता है, रहनुमाई कर सकता है, तो हम है। एक सऊदीया दावा करता है और दूसरा ईरान, इसके अलावा कोई तीसरा दावा नहीं करता है। दोनों मुल्क की जिम्मेदार ने इस पर अमल नहीं किया। अगर इस पर अमल किया होता ईरान वालों ने, अगर इस पर अमल किया था सुन्नत रसूल के फरमान पर सऊदीया वालों ने, तो शायद ईरान में इतनी मौत नहीं हुई होती, सऊदीया में इतनी मौत नहीं हुई होती। लेकिन क्या कहिए, हमारे दिमाग पर दुनिया का नशा इससे सवार है कि अच्छी बात समझ में नहीं आती है। अब आइए तो बात भी मुसलमान की, इसके मुकाबले आइए हम बोलते हैं हमारे दिल्ली के मुखिया, हमारे दिल्ली के मुखिया और हमारे बिहार के मुखिया, समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं, आप लोग अच्छे तरह से समझ रहे हैं, दिल्ली के मुखिया और बिहार के मुखिया में भी यही अंतर देखने को मिला। दिल्ली के मुखिया ने कोई परहेज नहीं अपनाया, बचाव का रास्ता नहीं अख्तियार किया। बेचारे बिहार के मुखिया ने कहा कि भाई जो बाहर है वो नहीं आएगा, जो बिहार से बाहर वो नहीं आएगा। लेकिन कहते हैं कि अकेला चना भान नहीं खोलता है, बेचारे बोलते बोलते रह गए, उन्हीं के पार्टी के आदमी ने अपने आज रिश्तेदार को बाहर बुला लिया। अगर उसने गलत किया तो ताज्जुब की बात नहीं है, ताज्जुब हमें इस उम्मत के उलमा क्या होता है, इस उम्मत के उलमा क्या होता है, लीडरशिप क्या होता है, क्यादत क्या होता है,
जो दिन रात मरकजी जरियापति या लफाई सियासत में खुशिया बर्दारी करते रहते हैं, थकते नहीं है, उन्हें भी सारी तौफीक नहीं मिली कि बिहार के मुखिया ने अगर सब फैसला लिया तो उसके सवाल में बयान दे कि नहीं आपका फैसला सही हम आपके साथ है। ये हमारा ईमान है, ये हमारे दिन में फरमान की मोहब्बत है। ये इसलिए हुआ कि हमारे अकीदे में, हमारी सोच में, हमारे दिमाग में फसाद था। ये फसाद हमारे जिंदगी के एक एक पहलू में दाखिल हो चुका है, एक एक पहलू में कैंसर की तरह सरह कर चुका है। फसाद बहुत सही शक्ल है, हम फसाद की उस शक्ल का जिक्र करना चाह रहे हैं जो समाज से जड़ से जुड़ा हुआ होता है। समाज की जड़ कहां से शुरू होती है? शादी ब्याह से, बाल बच्चा से, कोई भी समाज इसी से फलता फूलता बढ़ता है, फैलता है। समाज के गार्जियन हजरात वल्लाह अजीम वो रोल अदा नहीं कर रहे हैं जो रोल गार्जियन को अदा करना चाहिए, वो जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहे हैं जो उनको अदा करना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था जलाल अल्लाह ने कहा कि मेरा बेटा जो रिजान कि ऐसे मर्दों पर अल्लाह ताला की लानत है जो औरतों की नकल करते हैं, और वो मुतशब्बिहात और ऐसी औरतों को भी अल्लाह ताला की लानत है जो मर्दों की नकल करते हैं करती हैं। हम और आप क्या माहौल बना रहे हैं घर में? बेटा को बेटी का कपड़ा और बेटी को बेटे का कपड़ा बना रहे हैं। क्या है तो जमाना मॉडर्न हो रहा है, जमाना तरक्की कर रहा है, जमाना चांद पहुंच गया है, और हालत यह हो गई है सिर्फ इस मुल्क नहीं दुनिया की कि कहीं भी कोई भी इंसान महफूज नहीं महसूस कर रहा, खुद को महफूज नहीं महसूस कर रहा है। आप क्या समझ रहे हैं कि हम दुनिया के रंग रंग जाएंगे तो हम बच जाएंगे? वल्लाह अज़ीम आप बचने वाले नहीं है। आपके सामने जीता जागता नमूना यूक्रेन का है। दुनिया में रहेंगे मेरे दोस्त है, उनको तो छोड़ा ही नहीं, वादा किया क्या बेटा हम तुम्हारे साथ हैं चलो लड़ने के लिए। जब बेटा बड़ा आगे लड़ने के लिए तो जिसने वादा किया था उसने गद्दारी की, क्यों जानते हो? इसलिए कि जो शैतान के बचाए हुए तरीके पे चलेगा वल्लाह अज़ीम शैतान कभी भी उसका वफादार नहीं हो सकता है। क्या है अल्लाह ताला कुरान में नशा सीख रहे हैं, शैतान ने इंसान को वरगलाया कि चलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चढ़ाई करो हम तुम्हारे साथ हैं। जब चढ़ाई किया, जब फरिश्ते आए बचाने के लिए मुस्लिम कौम को, शैतान ने क्या कहा? इन्नी अला माला तरो इन्नी अखाफुल्लाह रब्बिल आलमीन कि मैं वो देख रहा हूं जो तुम नहीं देख रहे हो। टाटा बाबा हम जा रहे हैं, मुझे अल्लाह का डर है। गार्जियन हजरत होश के ना होने, आप अल्लाह ताला का वास्ता है। अगर आपने ये रवैया नहीं बदला लड़का को लड़की लड़की को लड़का बनाने का, वल्लाह अज़ीम वो दिन दूर नहीं है जबकि आपकी बहू बेटी को रोड पे खड़ा करके नंगा करके कैसे क्यों दी जाएगी? क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने कुरान में नशा किया है कि जिस कौम को, जिस उम्मत को हम कोई नेमत देते हैं, कोई नेमत देते हैं और वो उसकी चीज की कदर नहीं करती है, अल्लाह ताला उसको चीज छीन लेते हैं। कपड़ा, बदन का कपड़ा ये भी एक नेमत है, बदन का कपड़ा ये भी एक नेमत है। अरे सामने सही सवाल नहीं किया वल्लाह अज़ीम अल्लाह ताला हमसे छीन लेंगे। एक होता है महरूम कर देना चाहो मिल रही है उसका आपको उतना दुख उतनी तकलीफ नहीं होगी, लेकिन अल्लाह ताला को देख के जब आपसे छीनेंगे ना वो कसक वो तरस वो तकलीफ पूरी जिंदगी आपके अपने दिल में महसूस कीजिएगा। अवाम की बात तो छोड़िए, अच्छे अच्छे दावत का काम करने वाले लोग आलिम आलमा हाफिज हाफिज़ा उनके घर के बच्चों का भी यही होलिया है, यही होलिया नजर आ रहा है। कहां है हमारा ईमान? हमारा इस्लाम क्या है? हमारा इस्लाम हमारा ईमान यही कि दुनिया क्या है? दुनिया दिन को रात बोलेंगे हम दिन को रात बोल देंगे, दुनिया रात को दिन बोलेगी तो हम रात को दिन बोल देंगे। ये इस्लाम की पहचान नहीं है, ये इस्लाम की सेवा नहीं है, ये मोमिन की शान नहीं हो सकती है कि दुनिया के रंग पड़ जाए। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया था? किसी ने उनसे पूछा, एक सहाबी अंसारी सहाबी ने उनसे पूछा कि या रसूलल्लाह आपने कहा ना महरम औरत के पास नहीं जा सकता है, बातचीत नहीं कर सकता है, बैठ नहीं सकता है, देवर के बारे में क्या कहते हैं?
अल्लाह के रसूल ने फरमाया जेवर मौत का दूसरा नाम जेवर है। किस घर में सारा शादी का मजा नहीं होता है, किस घर में बहनोई का मजा नहीं होता है, किस घर में हमने भाभी का मजा नहीं होता है। जानते ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया रसूल ने कहा है कि तय्यूस पर जन्नत हराम है, जन्नत हराम है। तय्यूस किसको बोलते हैं? कभी सोचा, कभी समझने की कोशिश किया? दयूस उसको बोलते हैं जिसको हम लोग अपनी आवामी जबान में भावा बोलते भावा। अब हर इंसान अपने दिल से पूछे दूसरे से नहीं, क्या हम अपने घर में दयूस है कि मर्द है, दयूस है कि मर्द है, पूछो अपने दिल से। फतवा जाना बहुत आसान है, ये हलाल है ये हराम है, इमाम साहब गलत बोल रहे हैं, इमाम को होना चाहिए ऐसा बोलना चाहिए। और उस बदतमीज कुत्ता नहीं मालूम है कि ना महरम सकते हम खा नहीं सकते हैं। फतवा जाने हमने कहा रमजान की मतलब से कि चार टिकट पर और कभी आठ टिकट पर तरावी में और तहजीद में और कभी नहीं भी दो दुआ जरूर पढ़िएगा। एक दुआ यह है अल्लाह मनी आपका बंगनाफ्ती का अपनामती का लंबी दुआ है दूसरी 19 और दूसरी दुआ सूरज की 10वीं आयत रब्बना अकरम मिन लदुनका रहमतन वहिय लना मिन अमरिना रशदा। उलमा ने फतवा किया कि हाजी बिदअत करा रहा है और जिस आलिम ने कहा कि हम नहीं पाएंगे बिदअत है उनका ये हाल है कि नामहरम के घर में जा रहे हैं तो आवाज नहीं दे रहे हैं, जब आ सकते कि नहीं आ सकते हैं आवाज नहीं दे रहे हैं, इजाजत नहीं दे रहे, जबकि शरीयत का हुक्म है कि जब किसी आप दरवाजे पर जाइए 3 मरतबा आवाज दीजिए, अगर जवाब नहीं मिले तो वहां से वापस आ जाइए। ये दुनिया की दर्जा है, बहुत अफसोस की बात है कि तुम और हम अपनी औलाद को इस किस्म का कपड़ा पहना रहे हैं और यहाँ इसी हिंदुस्तान में तुम्हें शिकायत की तुम्हारा गुर्खा छीना जा रहा है। बेटा गुर्खा का कारण क्या है कि बेटी को नहीं लेकर के बात करने का तमाशा बना रहे हो, वैसे गुर्खे का फायदा क्या है कि बेटा को बेटी बना रहे हो, तुम ऐसे मौके पर तुम ऐसे साड़ी पर तुम ऐसे लोअर के चक्कर पर इसी हिंदुस्तान का मौका है। आजादी से पहले का एक औरत ने एक खातून ने जो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी हमारे आपके तरफ अपना सीना काट के चढ़ गया, जब कहा गया कि आप अपना सीना नहीं भाग सकती हैं तो जाहिर औरत ने अपना सीना काट के चढ़ गया, ना सीना रहेगा ना तुम जो बोलोगे कि तुम भाग नहीं सकती हो, वो तो हमसे बेहतर थी वो औरत, हमसे आपसे बेहतर है। हमारा ये रवैया है अल्लाह तरह दौलत दिया तो बेटा बेटी को तमाशा बना रहे हैं, दुनिया वाले सामने नंगा नचा रहे हैं और जब दुनिया आती है नंगा नचाने के लिए तो रोते कमाल तो जुर्म हो रहा है। अभी ऐराज का सच्चा वाक़ा बता रहे हैं, ऐराज एक क्रिश्चियन औरत यूरोप गई इज्जत करके, वहां का माहौल देख करके, वहां का कल्चर देख करके उसे मुस्लिम मुल्क ऐराज याद आने लगा, मुस्लिम मुल्क ऐराज याद आने लगा। उसने कहा कि यूरोप ये यूरोप शैतान के पुजारी है, ये लोग शैतान के कारिंदे हैं, मैं अपने रब से ये दुआ करती हूँ ये रब हमारे अराब मुस्लिम के अराब में वो शांति वापस ले आओ कि हम अपने बाल बच्चों के साथ शांति से रहें। एक ऐसा ही औरत इतनी अकल है इतनी तमीज है कि यूरोप शैतान के पुजारी है, यूजिंग कल्चर शैतान के कल्चर है। अरे हम है दाढ़ी रखे हैं टोपी लगाए हैं नमाज पढ़ रहे हैं गोंडा भी रखे हैं किराओं भी कर रहे हैं बिता भी है निकाल रहे हैं हज भी कर रहे हैं और भी कर रहे हैं, लेकिन इस बात को समझने को तैयार नहीं है कि हम किसकी पैरवी कर रहे हैं किसकी नकल कर रहे हैं। बात तो बहुत ज्यादा है लेकिन हम अपनी बात खत्म करना चाहेंगे, लेकिन याद रखिएगा अगर अल्लाह ताला आपको कोई नेमत दिया है आप उसकी कदर नहीं कर रहे हैं वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब अल्लाह ताला वो नेमत आपसे छीन लेंगे। ये जो बच्चे आपको नजर आपके तक आपके घर में आपके आंगन में आपके गोद में ये अल्लाह ताला की नेमत और अल्लाह देती है, अगर आपने इसकी कदर नहीं की इसकी सही तरबियत नहीं हुई अल्लाह देती है कब यह आएगा वो बच्चा जिंदा रहते हुए अल्लाह ताला से छीन लेंगे। आप तड़प के रह जाइएगा वो बच्चा आपको नहीं मिलेगा। क्या हम जिस किस्म का माहौल बना रहे हैं पढ़ाई का तालीम का एजुकेशन का आने वाला 30 से 50 साल बहुत खतरनाक होगा, आपको नया बलद बोलते न्यू बलद नहीं मिलेगा काम करने वाला। यूरोप अमरीका बुढ़ा हो चुका है, यूरोप बुढ़ा हो चुका है, वहां के जिम्मेदार बोल रहे हैं कि हमारे गलत कल्चर गलत सिस्टम के कारण पूरा यूरोप बुढ़ा हो चुका है, अब कोई यंग बलद नहीं मिल रहा है। एशिया से अफ्रीका
के आदमी को बुला के काम करवा रहा है, उसके पास पैसा है तो वो पांच आदमी को बुला रहा है। कल को जब हमारा समाज बूढ़ा हो जाएगा, जवान न के बराबर रहेंगे, तो हम और आप कहां से ऐसे लोग को लाएंगे जो काम कर सके। अल्लाह अल्लाह ताला फरमाता है कि वक्त की कदर कीजिए, नेमत की कदर कीजिए, नहीं तो अल्लाह ताला को नेमत छीनते हुए आपसे दूर वक्त नहीं गुजरेगा कि अल्लाह ताला से नेमत छीनेंगे। जब बात आई पर्दा बरकतों का खत्म करने की, सच्ची बात यह है कि हम लोग गुंगे हैं, गुंगे हैं। आपको याद होगा चार पांच साल पहले स्विट्जरलैंड या किसी कंट्री में मस्जिद पर हमला होता है, मस्जिद पर वहां के क्रिश्चियन मुसलमान के फेवर में खड़े हो गए। मुसलमान आलिम को बुलाया गया गवर्नमेंट के टीवी चैनल पर कि आइए आप अपनी बात इस्लामी तालीमात रख दिया। वल्लाह अजीम माफी तरह बोलेंगे, हमारे जिम्मेदार माहौल को समझने तक आते रहे, हमारे बूढ़े हैं बुजुर्ग माहौल को समझने तक आते रहे। उस बंदे को समझना ये चाहिए था, कुछ नहीं करता। सूरह मरियम की सिर्फ एक रुकू की पहले रुकू की तिलावत कर लेना चाहिएगा, दूसरी आयत और आयत पढ़ रहे जो उस मुनासिब से उस माहौल के दिमाग से उतनी अहम नहीं होती। आपको मुल्क की टीवी चैनल को बुला रही है सरकार कि आज अपनी बात रखी है, और आपको तमीज नहीं है कि अपनी बात भी सच रखी है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की दुआ याद आती है, वो बोला करते थे कि अल्लाह ताला मैं मुनाफिक के जबल से और मोमिन की कमजोरी की तरह मांगता हूं कि जो गलत है उस चार अपनी बात रख रहा है, और हम हक रख करके सच्चाई रख करके बोल नहीं पाते। गुंगे हैं पर्दे में बहुत कुछ लोगों ने बोला, जो बोलने की बात किसी ने नहीं बोला। हम अपने हिंदू भाई से बोलेंगे, अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं आए आप किताब खोल भी देखिए, बहुत मशहूर आता है। सीता जी को लोगों ने अपहरण कर दिया था, कहता कि नहीं कहता, बहुत मशहूर आता है। हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और बर्मा में जिस लोग परसेंटेज पब्लिक चाहे किसी भी धर्म की हो जानती है कि बहुत आया था कि सीता जी को अपहरण कर दिया गया था। क्या बाहर से राम जी ने जिस व्यक्ति को जिस इंसान को जिस पर्सन को भेजा सीता जी को ढूंढने के, कौन था उनका, कौन था उनका पराया नहीं था, उनका अपना देवर था। लेकिन उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन में कभी आपकी पत्नी को तो देखा नहीं है, अब हम ढूंढे तो कैसे ढूंढे। तो राम जी ने कहा कि शक्ल यह हो सकती है, चित्र यह है, इस शक्ल तुम ढूंढो। इस किस्म का वाका खुद लोग हनुमान जी के मुताबिक नकल करते हैं। वो भी जब सीता जी को ढूंढने के लिए निकले तो उन्होंने भी कहा कि हम चेहरा तो जानते नहीं है, अब चेहरा बता दीजिए, चित्र बना के दिखा दीजिए तो हम ढूंढेंगे, तलाश करेंगे, कोई पहचान बता दीजिए। इससे बात क्या समझ में आई कि हर धर्म में नारी को पर्दे में रखा गया है, नारी को पर्दे में रखा गया, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, चाहे सनातन धर्म हो, चाहे यहूदी धर्म हो, चाहे कोई दूसरा धर्म हो। अरे दुनिया को हम क्या रास्ता दिखाएंगे, हैं माँ को पता नहीं हुआ बेटी को नंगा करके करना चाह रही है तो दुनिया को क्या रास्ता दिखाई जाएगी। बाप दादी रखे हुआ अब बेटी को साथ में नंगा करके चाह रहा है तो क्या दुनिया समझाइएगी, दुनिया तो नहीं समझेगी, वल्लाह जैसी नहीं समझेगी, पूरी दुनिया का मीडिया के बाद कहां जा रहा है, लेकिन वल्लाह जैसी दुनिया को नहीं समझा सकता है। जब बात आई मीडिया की, वल्लाह लाजीम दुनिया का कोई एक मीडिया हाउस आपका हमदर्द नहीं है, आपका हमदर्द नहीं, हम इशारे में बोल रहे हैं। वही चीज मीडिया में हाईलाइट की जाती है जो वर्ल्ड लेवल की छुपी हुई गवर्नमेंट चाहती है, वो गवर्नमेंट जो पूरी दुनिया को नचाती है, वो हुकूमत जो पूरी दुनिया को नचाती है, उसके अलावा कोई खबर कोई न्यूज जिस तरह से आम नहीं की जा सकती है। अगर आप चाहते हैं कि इस दुनिया में अभी भी हालात बदल जाए सुधर जाए तो अल्लाह ताला का वास्ता है जो खुद को बदलिए,
नहीं बदलिएगा तो फिर आने वाला वक्त किसी को छोड़ा नहीं है। और इस धर्म में नहीं रहिएगा कि सिर्फ स्कूल कॉलेज का कल्चर ऐसा है। हम एक इलाके के मदरसे के बारे में जानते हैं, शिकायत करने में मुझसे शिकायत किया, बोले तो हाजी भाई जब से हमारे इलाके में मदरसा खुला लड़कियों का सर का दुपट्टा गायब, सर का दुपट्टा गायब। ये गांव का आदमी बता रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि अल्लाह ताला ने जो सिस्टम दिया था, जो निजाम दिया था, हम उसकी पाबंदी नहीं कर रहे हैं। वल्लाह अज़ीम, आप रोजा रखते रहिए, तिलावत करते रहिए, तरावीह पढ़ते रहिए, तहज्जुद पढ़ते रहिए, सत्ता हयात में करते रहिए, अल्लाह ताला हमारी इबादत हमारे साथ ऊपर नहीं उठाएंगे जब तक के अल्लाह और उनके रसूल के फरमान का असर हमारी जिंदगी में नजर नहीं आएगा। अल्लाह ताला जिसको तौफीक दे देंगे उसको बात समझ में आ जाएगी, और जिसके नसीब में नहीं तो हमारी औकात नहीं कि हम किसी को घोल के पिला दें। मुझे 2 साल से उस वक्त का इंतजार था कि हम लोग इस तरह से मजमे में बैठ करके ईद की बकरीद की सलात अदा करें, और हमने अपने दिल को यह वादा किया था कि जब तक इस किस्म की नमाज नहीं होगी हम किसी बंदे से मुसाफा नहीं करेंगे। अब आप बताइए, आपका दिमाग ज्यादा काम कर रहा था या हमारा दिमाग ज्यादा काम कर रहा था? समझने की कोशिश की है। खासकर हम गार्जियन सीनियर लोगों से बोलेंगे, आपको अल्लाह का वास्ता है ये जो नई नसल आपके गोद में है, आपके बगल में है, आपके महल्ले में, आपके घर में, किसी चीज में बनाओ उसका फ्यूचर बचा के जाइए, नहीं बचाइए उसका फ्यूचर। आप तो भोगिए ही जा, वो भी आने वाले दिन में भोगेगा, और जब भोगेगा तो याद रखिए आपको दुआ नहीं देगा, आपको कोसा देगा, आपको लाने का नाम करेगा। और उस वक्त कन्ने से कुछ होने वाला जाने वाला नहीं है। इसी चंद बातों की बात खत्म करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करेगा कि अल्लाह ताला हमें इस बात की तौफीक दे कि हम हालात को समझें, और इसी वजह से हम बराबर लोग से बोलते हैं ये दुआ करो, अल्लाह मैं आप तो का वक्त आप सी का वक्त अमल की नासिया की ये दिख मां बन दिया हम लोग आज लोग दिया पता होगा तेरे पति को ये इसमें हुआ लगा समय तो नहीं लगता का और अंदर तो भी किताब का और अंदर तो हद मतलब की का और हम तो हद नहीं पाली का और इससे असर तो भी जीन लोगा जीन लगा अन तजअल अल कुरान अजीम रबिया कलबी। असल दुआ यही अंत जाल कुरान अजीमा रबिया कलबी वनूर सदरी वजिला हिंदी वजिहा मानिए गमी के कुरान को मेरे दिल का सुकून, आंखों की रोशनी, दिमाग का शांति का जरिया बना दीजिए। ये कुरान जिस दिन हमारे जीवन में हमारी लाइफ की तरह से घुस जाएगा, दाखिल हो जाएगा, उसका असर नजर आने लगेगा, वल्लाह अज़ीम दुनिया की जन्नत निशान बन जाएगी, वल्लाह अज़ीम। और इसी वजह से हमने कहा कि सूरह कहफ की जो आखिरी आयत 10वीं आयत है जो अस्हाब कहफ ने अल्लाह तआला से दुआ मांगा था, रब्बना आतिना मिन लदुंका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। इलाही रुस्ता राशि का सीधा रास्ता आप ही दिखा सकते, आप मुझे रुचि ज्यादा फैलवा दीजिए। वल्लाह अज़ीम ऐसा कल युग है, ऐसा फितने का जमाना है, किसी से मशवरा लेते हुए डर लगता है कि बंदा जाने अनजाने में किस किस्म का मशवरा दे देगा और उसका रिजल्ट आने वाले दिन में क्या भोगना पड़ेगा सोचना पड़ता है। एक मतलब नहीं, 100 मतलब को सोचना पड़ता है। तो इसी दुआ पर अपनी बात को खत्म कर रहे हैं। اللهم انا نسال منا نشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ولا اعظم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم استغفر الله استغفر الله سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من امري ونفسي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين صراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا
اهدنا الصراط المستقيم 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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من أمره ربي ربي آمن الرسول بما أنزل إليه ربي والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر 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 لنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك نعصي في بيدك ما زلت يا حكم فحكم أنت يا ظلام أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلت في كتابك أو علمت واحدا من خلقك أو علمت واحدا من عبادك أو استفدت في شيئا من خيرك أن تجعل القرآن العظيم ونبيات المؤمنين ونور صفهم وجلاء أحزاننا وبها ما هم من اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عبدك ناظم عبدك يا عبدك علمني خطاك حتى تقول لي اسمي ولك سميت به نفسك أما أنزلت في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو علمت أحدا من عبادك أو أسست به من الغيب عندك أنت جل القرآن العظيم ربيع قلوبنا أنت جل القرآن العظيم ربيع قلوبنا أنت جل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عبدك ما من يحبك عبد في قبضك أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو علمت في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو علمت أحدا من عبادك أو استفدت بك من علمك أنت جل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ذكرنا من ما نسينا وعلمنا من ما جهلنا وارزقنا حسب نفسك يا دار الذي وصافصت على الوجه الذي يرضيك عنا واجعل حجة لنا لا حجة لدينا اللهم اجعلنا ممن يحل الحلال ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بكتابه ويبلغ حق تلاوته اللهم اجعلنا من اهل القران الذين من اهل الطبقه اللهم اجعلنا من اهل القران الذين هم اهلك وخاصتك اللهم اجعلنا من اهل القران الذين هم اهلك وخاصتك برحمتك برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا رحمتا وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة
कपड़े पर आयरन मारे, इलाही तबियत नहीं कर रही थी कि अच्छा कपड़ा पहन करके आ